दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसकी राजनीति नफरत और राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों के काम को रोकने की है। सुनीता केजरीवाल ने दावा किया कि तिहाड़ में उनके पति की जान को खतरा है। जंतर मंतर पर इंडिया ब्लॉक की रैली को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनके पति को एक बयान के आधार पर आबकारी नीति मामले में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया, यह एक साजिश और दबाव के कारण था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन केंद्र ने दोहरी कार्यवाही शुरू की। ईडी ने जमानत पर रोक लगा दी है और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे पिछले 22 सालों से डायबिटीज से पीड़ित हैं, लेकिन हमें उन्हें इंसुलिन दिलाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके हाथ में एक सेंसर बंधा हुआ है जो उनके शुगर लेवल को रिकॉर्ड करता है। अगर शुगर लेवल 50 से नीचे चला जाता है तो मरीज कांपने लगता है। जब वे घर पर थे तो ऐसी चीजें 5 महीने में एक बार होती थी और उन्हें स्थिर करने के लिए कुछ मीठा देते थे, लेकिन कुछ दिन पहले हमें पता चला कि जेल में उनका शुगर लेवल कई बार कम हुआ। बता दें कि आम आदमी पार्टी भाजपा पर जेल में केजरीवाल की हत्या की साजिश करने का आरोप लगा रही है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा कर रही है कि 3 जून से 7 जुलाई के बीच उनका शुगर लेवल 34 बार गिरा है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उनके साथ कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ, उनकी जान को खतरा है। हाल ही में एलजी साहब ने एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री जानबूझकर अपना भोजन कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या मजाक है। उन्होंने ये भी कहा कि वे इंसुलिन कम ले रहे हैं, जब शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो इंसुलिन दिया जाता है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्या ये भाजपा की तानाशाही और साजिश नहीं है। उन्होंने दिल्ली के लोगों के काम को रोकने के लिए उन्हें फर्जी मामले में फंसाया है। वे हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ेंगे कि लोगों के काम प्रभावित ना हों।